दादा भैया मिशी को सनम को की डबो जोहार नितो ना देवघर जिला रे मातो मिश्रा रे अबो तालामला रे नित मरांग गुम के मेरो दुरु कंता वो और नीता सनम को अबो नित नुतुम बा अनको समाज लाते चित लगाते कामी का को अना आर आबोआ जे कोल भाषा कंतबोआ अना जे कोल होयंगा कंतबोआ अन अना अकल काते उमुल तहन तबोआ अनार लाते तिहिं लोर लोपोर लाहे तो देला बोया दादा मिशी को अबो आन्यम अबो अबोरन जे मानुतन गोंके को दुरु मेना कोआ अनकोआ कथा आन्यम अबो आर नको कथा आन्यम कते समाज अबोआ अकल का केटे जोहा अबोआ भाषा अबोआ एंगम होयंगा अकल का लाहो तबोहा अकल का मतरंग तबोहा अना लाते चित कामी रिके लाहोहा अना रिके अबोहा अबो नित देला आन्यम बो नंको कथा समाज मिटंग संगठन मेना तब अना संगठन अतुम कना भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति नारेन माननीय उमानाथ कोल ना संगठन रेन केंद्रीय अध्यक्ष कना किन कि दादा अबोआ जे कोल भाषा कन तबोआ एंगोमा जे भाषा कन तबोआ एम होयंगा कन तबोआ अना होयंगा अकल काते उमूल तब हाँ ना लाते बारे कथा लोर हटिंग तलंग इनते दुबो जोहार और पत्रकार महोदय धनेश्वर बाबू हम हों दुबो जोहार तिहिंग भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति जी चलो पाकन तबुआ नारेन इन उमानाथ कोल केंद्रीय अध्यक्ष सनम मिलोते चुनो कदिंग को तिहिंग अबोआ नुतुम आदिवासी सूची रे बांग तहें कंता बोआ ना लाते मातो मातो रो चालो किते सनम बाबा बोहया जाति गंगा ली के कोआ कि अबो दो कुल जाति कनाबो मारे जाति कनाबो प्राचीन जाति कनाबो अबोआ भाषा अबोआ रीति रिवाज अबोआ अपना मेना तबोआ प्राचीन काल खुनगी कुल भाषा लेकिन कुल भाषा तिहिंग जितना कि अपन पूर्वज लड़े नको और जी हक अधिकार माँ का अबोआ को आना चलते ते भारत आज़ाद होना और हो कहते अब पढ़ो लिखो कमी जे अधिकार नाम के दाबो अबन कुछ आदमी पढ़ो हम पढ़ो तब को भोया को पढ़ो तब को लेकिन अपना भाषा ते तीह बांग्लोर दाको कोल भाषा ते बांग्लोर दाको आना चलते ते भाषा अब विलुप्त हो करना जबो कन तब भाषा बचे लाते और अपना परिवार खन मातो रे समाज रे सानम ठेनगी अपना कोल भाषा तिगी लोर लाहो तब हाँ और कोल भाषा तिगी तिहिंग सानम होर ले के ते जागो को लाहो तब हाँ चाहे जितना गी पढ़ो लिखो नको जितने गी डिग्री डिप्लोमा आगे का को लेकिन अपना भाषा ते लोर लाहो तब हाँ तो दादा ना तो होना कि जैसे अबोआ भाषा कंदा के लोर लपोरला हो तब होगी हाँ मतुर कथा हो तब कि ना लाते अबो चित रिकेला हो तब हाँ भाषा तो मेना तब लोर लपोर कनबो बाची अबो खाली लोर लपोर खने की बाची अल्ला हो हाँ से अना कुछ आर्गु जहाँ मेना कि अनाते बाचो हाँ बा ना लाते जहाँ कामी हो खाना चित अब तो अबोला जैसे भाषा में तब भाषा जितना कि तीन लोर दबो आना जी मिक्स कन तब आना मिक्स तो बांग अपना भाषा छाटो के तो अड़ोकला हो तब हाँ अब छाटो के तो अड़ोकलाते आबोरेन
जेते की नितो पढ़ो लिखो कंताबो को अनको सोपो कोला हो हाँ भारमा कोला हो हाँ कि आपो शब्द कोश आप भाषा आकार है कल का मिलो कंताबोना छाटो के ते कोल भाषा चित कंताबोआ चित मिता कला जैसे आप आदमी या गिदरा अनको चित मिता को कनाबो गिदरा जैसे आप गिदरा मिता को कनाबो पूरी गिदरा कोरा गिदरा या आप भाषा प्राचीन काल रे थेकना होन मिता को कनाबो तो होन मनते हो गिदरा हो कना तो ना को जे छिपो मिना ताबोआ लर लरे गिया बो लेकिन बा बुझ दरे कना बो आबो ते आदमी तो हर मिता को कना बो आरे गिदरा हो अनको तो गिदरा मिता को कना बो लेकिन हनाते आबो शब्द को से रोक केते आबोन जे संगठन रे आदमी मिना को फीडर मिना को ताबोआ अनको लेकोला हो हा और शब्द कोश ओडोक केते खोज केते अनको मा कोला हो ताबो हा अपना भाषा ते सानम चीज आगे व्यवहार के बो तेहेंग भाषा के साथ साथ अबरन पूर्वज लड़े के जे अधिकार नाम का बो और जे तहकन तब मारे खून ग्राम व्यवस्था जे तहकन तब ग्राम कमेटी जे तहकन तब जैसे मिता कना बो माझी जोग माझी प्राणिक नायकी बोडे नको को तहकन तब को अनको व्यवस्था अलग तहकना और अनाति अब लड़े नबो और अना व्यवस्था नाम के दबो ग्राम सभा ग्राम स्वशासन व्यवस्था अनाकन गया पचवी अनुसूची छठी अनुसूची अनाकन गया जनजाति सलाहकार परिषद मना तबोआ ना तो अलग मना तबोआ और अबो यदि कोल भाषा ते लर बहो तो आबोआ जेगी व्यवस्था नाम का अबो जेगी आरक्षण नाम का अबो जेगी रिजर्व नाम का अबो अना बाचो तहन तबो हाँ यदि आबो कोल भाषा ते बांग लर बहो ग्राम सभा बांग के बहो तो आबो ना को सनम चबा हंगेन तबो हाँ तिहिंग माझी मातो मातो रे समिति तरफ खुनी मेता का अकवा कि मातो रे माझी मंडल बने तबन पे पुराना व्यवस्था जे मेना तबवा ग्राम कमिटी जे मेना तबवा आना बचे लाहो तबो हाँ आना आधार आधार रगी आबो सानम कामी लाहो तबो हाँ और आबो जे व्यवस्था में ग्राम सभा जे मेना तबवा पचवी अनुसूची छठी अनुसूची जे मेना तबवा ना बहुत मरंग अधिकार मेना तबवा आबो जे नारे तैर के भो जे नारे कानून बने भो सिस्टम बने भो ना विधानसभा ते चित बंगना दो चिका दरता बह है बादो लोकसभा ते चिका दरता बह है आबो जे नारे ग्राम रे पास बह जहां ना की नियम कानून बने भो डायरेक्ट नारिया आबो रे जनजाति सलाहकार परिषद रे जे प्रेसिडेंट तह ने अध्यक्ष तह ने आनी तो चलो हां आनी सही है आना बाद आबो रे राज्य स्तर रे राज्यपाल मिनिया आनी लेल है आनी रिकमेंड है सही है डायरेक्ट चलो गे ना राष्ट्रपति थेन और आनी हो लेल है जे ग्राम सभा कोल्हे तरफ खुन हिक कना ना नियम कानून व्यवस्था हिक कना आनी पास है पास हैं तब हाँ अब विधानसभा कोई जरूरत में बंग है तब लोकसभा हो जरूरत पन तब मुख्यमंत्री हो जरूरत बंग पड़ो हाँ और प्रधानमंत्री हो जरूरत पना हाँ अनाते अब कुल भाषा जीत धोल तब हाँ अपन भाषा ते मने लड़ लहा तब हाँ और अब ग्राम कमेटी जे कना ना मजबूत लहा तब हाँ तब ये अब विकास होता रहता हाँ तेहन राजनीति रे टाइम कनाबो ठीक है ठीक जैसे कि राजनीति रे नाटा ग्राम सभा मजबूत के बहो जलंग को हो बढ़ो के आबो हो दरे ना अबोर तीन सपना में ना कि राजनीति रे लाबो अबोर एमएलए एमपी बनो को अबोर प्रधानमंत्री बनो को अबो हा हक अधिकार नाम बहो और जत्ते के नारे मेना को बाहरे खुने हिक कना को अनको तो सिर्फ कामी को लेकिन मालिक को है तन बहो आदिवासी तन बहो और जत्ते के आदिवासी बनो से मालिक तन बहो ना तुम तो आदिवासी कना भारत को है कन तबो आदिवासी कन ठीक ठीक नितो अबो तालामला रे मानोतान हरिकिशोर कोल गोंके जी मिनी तबोए आर गोंके ठे खुनी नेहर मेना कि जे अबोआ जे पोनिया व्यवस्था आर मेना तबोआ जेलकाते शिक्षा व्यवस्था मेनको राजनीतिक व्यवस्था में ना को और कानून व्यवस्था हो में ना अब एसोसिएशन व्यवस्था हो में ना के अबन दो विशेषकर राजनीति व्यवस्था रे अबन विशेष महत्व अपन में ना तबना तो अबन खुनी नेहर निया के मना के अब राजनीतिक व्यवस्था अकल का ते केटेजो तब हाँ कोल है या एम पी एम एल ए अकल का हो को ना बखरा ते अबन बरा कथा लोर बन मिश्रा मतरे सिंह चांदो परब रे उपलक्ष्य रे जरवाव कनाबो और ना जरवा रे शुभ चिंतक
मध्य प्रदेश रे रवि कौल जी मिनैया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीरे साबे भुवनेश्वर कौल जी मिनैया और संगेते इंग्रेन केंद्रीय अध्यक्ष उमानाथ कौल जी मिनैया और सलाहकार समिति रे पदाधिकारी भूमि जी एवं समाज एक शुभचिंतक कुलदीप परांडी जी और ना परब रे ईश्वर सेटल करना को जति गंगा को परब को धन्यवाद। तो राजनीतिक संबंध रे बढ़िया कथा लोरा जिम्बा नाम कर दी अना साथ साथ थोड़े समाज आपत्ति हो दी है। राजनीति अब तो बहुत पीछे है ना बवा और पीछे रे कारण हो गन कना जे ना पहले लोर ना जे अब कोल एकता नारा लगो हता बो लेकिन नीत भी एकता बा में ना बो कारण हो कना जे अंधविश्वास रे पड़ो हो कना वो कुछ नंकन बात ही संदेश रे हिज कना जे ईसाई जलन में ना जे ने मारंग होर ने इन संगे बंगलोर पे ना को चर्चा बने मेना कोई यदि पढ़ो लिखो करते यदि अच्छा पद हासिल के दे आनी या कर्तव्य तो आनी जे बंग समझो है जे आनी या मैंना मतलब तो मैं आज यानी ज़्यादा पढ़ो लिखो करने इंजीनियर वीडियो मैनेजर हो करने आनी बोले इंचे नपामो मरी है इंचे नपामो मरी है इंचे हिजू मरी है ताब में ताय है आनी तो बेस लेकिन जहाँ धा में ना आनी चतंग करने आड़े चलना चाहिए लेकिन आनी तो बंग अना बंग सचो है दे जे आड़े है ना धन में न्याय में शिक्षा में सदबुद्धि में आड़े तो नहीं तो बचाल आने तो मैं इंटे हिजो में हिजो में जबकि आने तो चिती बहना बा शिक्षित में धन में बा गुण में न्याय पद्धति में चिती बहना ना याते नहीं तो अब तो पे तरह बाटो में मिटंग ईर्षायु मिटंग अंधविश्वास और मिटंग अशिक्षा तो ना लाते तो अब तो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो अना पार्टी संगे जुड़ो करते अनका गी माने रुझान बनेला चाहिए जे आले रहनु मिटंग व्यक्ति नड़े खो माने विधायक प्रत्याशी बनोए में मिटंग संसद प्रत्याशी बनोए में कि ना को होना चाहिए कि सामों को पहले अब तो जे अभियान चलो पा कदा बन नित रवि जी भुवनेश्वर जी इन तो सराहनी अबन तो अमाबन करें और बहुत बहुत धन्यवाद अमाबन करें कि सिंह चांदो निंदा चांदो को अबन अनका जी दीर्घायु स्व शरीर माने बेस तहन तबाना और निका जी अबन परिवार हूँ सुखमय शिक्षा रे समय भी तो हमारी आ कोनो नंका आलो या हिजू तक हमारी आर समाज सेवा रे जुड़ो तहन बन राजनीति का परिवेश तो यहाँ सोच रहे ना मैं ना और दूसरा मैं कटे कि पहले की मैंने कहती ना तो बार कथा लो अब कोल भाषा ले करते अब तो कोल भाषा ले करते तो मात्र माने थोड़ा हिंदी लो यहाँ कन 25% की मैं बोआ कहे कि पहले अबरन कोल है पासरा बने सना को मेहनत रे आविष्कार सना को हलन अरे दूसरे समाज आदमी ही कहते समान बनो चो सना को एक तरह रन विज्ञान तहीं कना को अबरन कोल हाँ गितील माने चलनी रे चलो कहते गुरुमा बनो कहते ढीका बने सना को अना या कहते बात लोहा गालो कहते समान बने सना को बैठी गी छुरी गी बिसला गी टंगा गी गड़ासा गी कापी गी फरसी गी तीर गी धनुष गी नानित बनुआ पहला दूसरा हो ना अब जे संस्कृत जरंग की शॉर्ट बनी
जरंग अब नारता पूर्वज खन अगुका को नारता आई हूँ बड़े कि नारता रहा हेड़िया पौरा नू जम करते मैं तुदा बजे सना को ढोल नगेड़ा बजे सना को नीत आना बनूगा नीत अब प्रत्येक कम से कम तीर धनुष भला ना को सीप ना को तहन सना हेले नीत दो बनूगा नीत ना बनूगा कर्मा रे जीतिया झुमेर नाच दो होना चाहिए हाँ ना आदिवासी मतलब बहुत बड़ा परंपरा रिवाज तही करना नीत अना को चाबा हंगे ना नीत चिथी हंगे ना जे कम पढ़ो लड़का मेना को नीत दो ज्यादा पैसा खर्चा है को डीजे रे ढेक बे और अना रे मार कूदो कने आया तो बगी कने अना रे कूदो कने अना तो समाज दिशा विहीन रसा तल रे चाबा हो पा करना अनाते अब तो कठिन जे बढ़ो साथी मना जे शिक्षित परिवार रे गिनों करना वो जे बढ़े हुए साथी मैंने ज़्यादा प्रयास रिकल आहो प्रयास तो मना लेकिन ढुलमूल मना ढुलमूल मना मैंने आने जोर शोर ते तो बंग सब करा वो लेकिन आना नंका की पैदा रिकल आहो हाँ जरंग की मीटंग अन्य दल संथाल समाज रंग रिका के दे थोड़ा सा राजनीतिक ते चलो करा शिबू सरन जब ना संथाल परगना रही इन्हें आड़े दल मुखिया हमारा जीतो दल ने जब नाड़े ही इन्हें विधायक को लड़वाने हारा होंगे दूसरे दिन बार लड़ाने के सामने कोई सांताल पे मिलो करते नहीं रिजर्व सीट जमा कर जीतो कहानी चिका कहते पहले लेल कहते जे ना क्षेत्र रे संथाल एकजुट चिका रिका को जा अनाते चिका कहते जे ना दिसोम रे मने संथाल जमीन हड़पो कदा पूंजीपति आदमी हाँ टाइटल सूट कोरफा पार्टीशन शुद्ध ते सीधा को खेत बांगा माइला एखन डगरा दी हिंगे लाए मेरोम दी हिंगे लाए डान्हा नतीजा के आनी सोचो के दाबन लका गी ती आनी सोचो के दे कि इन और अरे नन्नी मरे कांड हो ना ये मने दादाजी माँ गिरी की दी को कि दिसोम रे समाज रे तीन अन्याय हो कना ते अना नियम टिका हंगे कते और कते लेल के दे जे सही गी बहुत मने शोषित है को आको कना तानी घर के आंदोलन शुरू कर हाँ पूरा एकदम तीन नाम आतोर गेट चोके दे गपा हाना मातोरे गपा हाना मातोरे की को शिवुआ धन कटवावे छो शिवु सरन धन कटवावे गुरुजी छिको थोड़े दिया को भाषा है इंग्लिश ना मैंने अनपोर का लॉस सुना अनका कहते फास्ट बने बिहार प्रदेश रे ताले डीरे बनो के दे बैसी कार्यालय और यहाँ बैसी कार्यालय रे कम से कम तो 5000 आदमी जरवाल लागो नहीं दे बना रमाटर बकल रहे अध्यक्ष नाम लाल सोरेन दौर और अन कहते नंका मने प्रखंड ए महतो स्तर रे आंदोलन चलो के दे जे हेड़िया बंग बनो दरे आ हेड़िया बंग नू दरे बगन दिल्ली रोड अनारे सदस्य ने हो कने इ हो कने 25 फीट गिटी बिछोगरी के दे और मीटंग नते कोपेड हाँ मैंने गमछा को पेन और बार होते नाड़े डोर तल गिरी की दिए और एकदम नाड़े को हाड़े भी मोरे से टनो है नाड़े को टनो इदी की दिए फिर अचुर की दिए नाते फिर इदी की दिए हमते फिर उठ की नाते राजनीति दो आबोवा कोल्हे अकल का कटे जो को अपन एमपी एमएलए कल का बनो दरन को कि समाज ने तो एटा समाज ने तो नित बनो गिए को मना गिए को मतुर आबो कोल्हे खन तो मिटंग हो एमपी एमएलए बाबा रंदन कोन का रीजन माने कारण तो चित कना ना कारण तो निया के मना आज आबो एकजुट बदे आबो जे हिलो एकजुट हो हंगे नबो जे हिलो नी मंच रे कोल्हे आ जनसंख्या 5000 हो हंगे ना इना हिलो मिटंग विधायक बनो कर माने आइमा जैसे आबो कोल्हे समाज मिटंग बहो रे तहन तकवा कि कोल्हे मने नेता जदि बानो गरीब हो के अनको तो जम मने आय परिवार के लेल कोवा को हां आय गिदर बुतरु के लेल कोवा को हां जब सरम कते चुनो कह दीबो खन आवरन आनी दो होन कने सेवक आनी आवरन हो कने सेवक क्या आनी थे चलो बने सेवा नमो ना तो मने गया ए एक मिनट सेवा नमो जरंग के नन मरंग ओरा मेना आ लेकिन नी कड़ा दा बनुआ दा बेना नदी रे आड़े चलो जा कि दा नु जा के तक चबो ती सिलका आनी दो मीटंग जरूर मिलिया लेकिन आनी दो 2 करोड़ जनता सेवक हो आनी जे समस्या लेकर चलो है आना आनी
समाधान रिकी है लेकिन ये लौर दे इं लौर दी कि इंया सोच मरंग बनू तीन अनाते ना बात लौटती हैं तेरी मना को जीवी मोने रे जैसे मना तक हुआ कि चीत नी कॉलहरन जुदी समाज एमपी मिले बनोगरी बने बुहा हाँ कि नी आबोला चीत जहाँ जैसे नी दा लौटा कथा या कथा है ना कि आबो चीत सम्मान नाम बुफो कि देखो हो तो नित एमपी मिले बनो कन को कि चीत उनको सम्मान मैं को नित कॉलहरन आई मैं संविधानिक अधिकार जिम नाम को उनको बा नाम दको तो जे लग तो आबोरन बने बोले आबोरन मो को सपोर्ट निया की सदा दा तो नीत जरूर मौक हो है जे बहुत दायनीय स्थिति रे माने नंका रंगे सतों लेयर रे अब कोले समाज नेता माने परिश्रम कदा को जीता जगता सबूत बिना हमको बड़े को जो दुख काटा करा सुख काटा करे ने चीज जरूरत पड़ो ना चीज तो राजनीति ते चीज लाभ होय हबो समाज ना बखरा तुम बरे लड़ बन राजनीति जैसे मैंने को नेता जी दिवानों ग्री को अब हो कि चीत लाभ हो यहाँ अबो राजनीति एमपी एमएलए जो दी होयो कंधा बोया बोरन समाज को नहीं जहेंगी कि अबो चीत लाभ होयो होना रे चीत फायदा नंबर राजनीति रे जरन की अबोरन नित एमएलए बनुया नित दस्त मापोरे दस्त आदमी बीमार मिलेगा और अबो जो दी विधायक हो होंगे ना फिर नित मेडिकल रिलीफ फंड को मैंने सानों को बड़े को या बंग बड़े को तो मेडिकल रिलीफ फंड को 5 लाख झारखंड सरकार पैसा हम कने और केंद्र सरकार हो हम कने कितना प्रक्रिया नहीं बा बाड़े ये के बा बाड़े के अब जो क्रीडर हो तो कहानी माने छाती माने करम ऊंचा हो गए ते यहां जे इंग उसूल देना थे इंग्रेन विधायक कने के आनी ठे चलो यहां जे हर रो कने आनी ते बुद्धि माए है कितने 10,000 टका ने 20,000 टका जरे बीमारी से रंग माए ने 50,000 टका चलो फलाना जगह रे जांच का पे हिजो जरंग बीमारी है ना से रंग जगह रे चलो जांच का पे हिजो और आने में तो रान कागज मामी है जो इलाज रे तीना पैसा लगो में हम रानो रे तीना खर्चा लगो आना कागज इन छागी में आनी ऑल करते जमा करी है सेक्रेटरी को पैसा चलो गे ना आनी इलाज हो गे ना फिर नंका मने बहुत तरह रे पद लाभ ना शिक्षा रे लाभ मना नियोजन रे लाभ मना बीमारी रे लाभ मना आवास रे लाभ मना नदी नाला तलो हा अनार लाभ मना चापाकल हो हा कुया हो हा चेक डैम हो हा कृषि संबंधी हो हा खेती उपजाऊ ग्रह ने बहुत मने लाभ हो हा मने आदमी बंग सोचो दारे कदा को जे अपना और पराया रे तिना अंतर मना नी दूसरे समाज बनो कने के आनी तो इनडोर आउटडोर तो बंग ले लेबा आनी तो संवाद ते सनम काम ही हो इत्यादि धी बंग ही कने सनम काम हो कते निया रोज अचुर में रोज अचुर आज दे तो टाइम ने हो मीटिंग छो हमते चलो दे हमते चलो ने केन ना लाभ आबो तो दरे ना तो नीतो तो लोर लपर वो नीत भूमि माझी कोल नकिन दो देवघर जिला झारखंड रन कनकिन और मातो तो मसंजोरा तो भूमि माझी कोल नुतुम तो की बाड़ा दरे कनबो भूमि माझी तो माझी आवन दो चित लगाते माझी दो नुतुम दो अपना ही इंतवन आना था तेहिं ना फेस मीडिया रे सामने दुरु कनबो ना दुरु रे आवरेन केंद्रीय अध्यक्ष हैं नहीं तब ना उमानाथ कोल जी और फेस मीडिया रहन रवि कोल जी आवार हो समीप जहाँ अब वह जे व्यवस्था कंत हुआ जे कोल है व्यवस्था कंत हुआ जे व्यवस्था कोल है रे चालो हो पकंत हुआ जे मांझी मिटांग मातो रहन मुखिया टाइप लगा हो कने आरानी सामने रही जे कथा होवा जे बड़ी होवा आज ये लका अब शासन व्यवस्था कन तबवा आना चाले बाते मिटा मांझी तेना जरूरी हना तबवा हर मातरे जे समाज रे अब चालो कन तबवा आना रे मिटा मुखिया लका हर तेना जरूरी हना ते आर आनको की हमारा मातो रहन व्यवस्था रिके को ये
अकालकाना व्यवस्था अब चल जे झगड़ा होना या जगह जमीन जे नाते हानते जगह खुशी हजू को अनको व्यवस्था अलग हेना तकवा अनको व्यवस्था को अब व्यवस्था जे मना तबा से कैटेज बाहते अब आनारे मिटांग पद हेना तबा मांझी तकर बाद आनारे परगने आनारे मिटांग डकू है नहीं है जे कोल्हे व्यवस्था कर तबा जे आनी मातो कोय होय जे हिजुक बान आनारे दुख धोका दबो जे आनी चतार रे जे लका कष्ट कर तिया आनी चरा जे दिक्कत हो कर तिया आनारी समाधान रिकेबो ता आबोगी ना जी व्यवस्था है ना तबा ना मारे व्यवस्था कर तबा शासन व्यवस्था जी आबो कर तबा से अब कोल्हे जाति करना और ना तो व्यवस्था अब नित बाकन तबा मारे कन तबा तो ना व्यवस्था तो जैसे मांझी ले हटिंग ना ना मांझी तो मांझी शब्द तो संथाल रूहो नमो करना है संथाल रूहो है ना तबा लेकिन ना कोल्हे जाए व्यवस्था कन तबा ना जी व्यवस्था कन तबा जी पहले हो मांझी लगा कि अब कन तबा ना मारे अब कन तबा कोल्हे हो मांझी कन तबो बाबा के माने आयमा नंका क्वेश्चन हो आसे ना रे प्रश्न रिकी आको कि कोल रूहो मांझी आर संथाल रूहो मांझी तो बन रगी बन मांझी तो बरन रगी मांझी तो बारन रगी मांझी तो अकल का अनको के मांझी कन को और कोल्हे रे वो के मांझी कन को ताले जे कोल्हे कन करबा तो कोल्हे की माने जे हमारे प्रधान लगा है ना तो आन को प्रधान कर को मांझी दो प्रधान कने आवरन प्रधान माने मिगले खाते माने कोल्हे रे ना व्यवस्था माने जी लगाते कोल्हेरे व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था रे मांझी प्रधान मेना को से लगाते सावतार रोहन का प्रधान मेना को निया की तो निया की कोल्हे रोहन को और संतार रोहन को मेना को ना व्यवस्था कन तब अच्छा ना ना व्यवस्था ते अबो समाज बा अपन अबो जे एंगम होयंगा कन तब अबो एंगम भाषा जे कन तब आना अकल का केटे दारे अबो ई तो अबो भाषा की तो आदो कना से अबो भाषा की आदो कना केना भाषा दो मीटिंग मारंग जे लकाते दायित्व मीटिंग मारंग आज दे मातो माझी आगे तो मेन आसे तो मातो माझी आ चित हिसाब ते ना दो अब बचो दरे अब ना बचे बाते जे अब वकेटे दरे अब उमुल दरे अब केटे बाते जे अब आ समाज चालो हपकना जे लका परिवार मीटा अब परिवार तब जे कोल्हे परिवार रहन जतना गिदरु को ओरा रेन मायो जे हेना कोवा अनको ना मिटांग पारसला कन तकवा आरे को गी भाषा जन्म हो कना जे भाषा एंगम बम बहुत लोर हैं आना भाषा गी आनी हो बाड़े हैं जे ना को अकल का लोर दको लोकर दको आना मिटांग अबो आ पहले मने स्कूल कन तबो ना समाज रिया जे नाड़े को गी माने चेद आनी गिदरु चेद जी की अकल का लोर दको तो ना चाहिए कि अबवा जितना बोल है परिवार है ना तब वो आना रे अपना भाषा लोर कहते अनको पढ़ो को और ना बातें यदि स्कूल बनो वहाँ जिन्हें कहा कि माने मार्शल हो बातें स्कूल बने लिखे हो ना कहते जो भाषा के मना रे मांझी व्यवस्था अकल का तेना दो कटे दरे वो भाषा नारे जहां मांझी हूँ तो नारे मिटंग मातो रंजन प्रधान कने तो कथा तो लहा मातो खन येओ कना वा तो नारे मांझी अकल का त केटे दरे है ना भाषा जेले का त मेन को की हिंदी रे के गाल को की नान लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा तो स्वशासन व्यवस्था रे आप तो मांझी मातो मांझी की तो मारंग होइन तब से तो नाड़े जे डिसीजन हाँ जेबो हाँ जे कथा को कटे जब हों आना जिनिस चेतार हों कटे जो तब हों हाँ तो इना तक मैंने कि स्वशासन व्यवस्था जे मांझी व्यवस्था का ना भाषा लाते चित रिकेला होयो हना रे अकल का रिका तो कटे दारे आबो का आदो कन तब संविधान आयमा भाषा आठवीं अनुसूची रे मिसाल मना तक मतुर आबो भाषा तो कार मिसाल मना तक है ना बात है कि जी अब मातो रे जी मांझी केटेज भो जे की
मिटांग स्कूल लका मिटांग व्यवस्था बनेबो जे स्कूल कोल्हे भाषा रिया स्कूल बने बनो केते अनारे जे आयु मायु हना को अनको हो अना प्राथमिकता आधार रे अनको गिदु को पाढो का बाते तैयार चाहिए केचित नीत निर्धारित ना अनंका व्यवस्था चित बांग होय कना नीत होय कना व्यवस्था जे लका अपन माने मिटांग मार्शल ओला स्कूल चालो खन तबवा जे अपन चला चालो दबान जे रंका तिलिया मनियाना रे अनका अनका व्यवस्था हर मातो रे हो लके आवरें गिदरा पढ़दन को पढ़े भाषा ते आ नारिया मिटांग लिटरेचर बहना तबवा जे लिपि जे कान तबवा आना मरंग बात में ना तबवा जे आना हो चाहिए आना लिटरेचर आबोगी बाड़े बजे के अकल का हो हां तब गिदरु बड़े हैं जे कि ना लिपि है ना तबवा अनका ओल है ना जे कि ना भाषा इनार की लिपि बद हो हां ते तब बाड़े बजे कि ना भाषा अब कान तबवा जे लोर भो आवो एंगम जे लोर हैं मायु लोर हैं गिदरु लोर को मायु लोर को अनको वा भाषा की माने गिदरु नकल है आर तकर बाद की आने लादर में अच्छा मीटिंग नडे अपन ये बनी कि नी तो टीआरआई जे का ना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जे का ना तो अनको मेन दको रांची रे जे मना अनको मेन दको कि जे कोल भाषा जे का ना अना संथाली भाषा का ना तो कोल आर ब्रैकेट रे ऑल दको संथाली तो चीत आबोआ भाषा संथाली कन तबो बा आबोआ भाषा आबो कोल्हे भाषा कन तबो जे लका आबो लोर बो जे अनको लोर को आबो हर मेन बो आबो हर माने हर कने आर अनको हर मेन को नारे अंतर हो कना तो हर जे कन को से हर आबो कना आना भाषा रे तो अनक अंतर हो कन को अनको से तो अनको बाकी आणे रे जे रिसर्चर जे मेना कोवा बा आणे रे जे भाषा वैज्ञानिक मेना कोवा अनको तो मेन तो को के आपे तो संथाली भाषा लोर दपे तो संथाली हो मुंडा नाको तो 70% मी गी मेना मी मी परिवार न कना मी फैमिली रना कन गिया आप जे लका तो अनार दो अबो अकल कते मेन दारे अबो की ना दो माने कुल भाषा का हर लोर बो बासा अनको डापको नका शब्द में ना तबवा जी की कोले भाषा रिया ना तबवा और अनको वा तो अंतर है ना तबवा ते बात है अबो अनको दिग्भ्रमित माने अबो भाषा रिया अनको दिग्भ्रमित जाते जे मीटिंग आर जिनिस है कि जैसे नि धर्म विषय मेनते तो चित आबोआ आदिवासी मेन दबो तो आदिवासी तो नित जैसे नाते सरना मेन ते मेन दको आइमा हर बंगार रे नित ममता बनर्जी मेन दे सारी धर्म सारी सरना तो आबोआ तो कोल कोला दो आकाटा धर्म आदिवासी में नबो से सरना में नबो से सारी में नबो चीता में नबो और चित नुतुम ते मेना तबो धर्म धर्म चित मेना तबो से बामना तबो आबोआ धर्म तो जे बाप दादा आबोरेन चालो पाकर को जे सिरखम बंगा कने आनी आबो हो माने बज की सिरखम बंगा कने आर सिरखम बंगा जे नी है से सिंह बंगा कने आर नि सिंह बंगा ति की आबो जे आदि पहचान कन तबवा आदिम कर चालो कना ते बाते आबो तो सरनाल जे हमको रे कना से हमको सरना जो व्यवस्था कन तबवा आर वो आदिम व्यवस्था न तबवा जेलका आदिम व्यवस्था आबोआ की माने जेलका आबो लोर बज की ना तो बोंगा आकार में नहीं है ताकार दीदी की बोंगा में नहीं है रचार की बोंगा में नहीं है आबो अन्ना बहुत माने जे कन तबवा ते आबो आदिम कन वो आबो आदिम लका की चलो वो आदिम हो आबो अधर्म कन तबवा जे नेचर कन तबवा आबो नेचर है ना तबवा जे स्वभाव कन तबवा बिना की धर्म कन तबवा आबो आर आबो आनी अनुसार की चलो बो जे लका की प्रकृति चलावे इनका की आबो हो चलो दन आनी अनुसार की चलो तो दादा भैया मिशी को निदो लोर लपर बो भाषा बखरा मेनते रवि कोल्ड है तो रवि कोल जी
अभी जो आप देख रहे हैं, आप कोल भाषा पर रिसर्च भी कर रहे हैं, तो भाषी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि कई रिसर्चर लोग भी और यहाँ TRI जो रांची है उसमें हम लोग देखते हैं कोल भाषा ब्रैकेट में संथाली भाषा। तो हम लोग जो इस चीज़ का ये मापदंड दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप संथाली भाषा हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ कैसे बता पाएंगे कि ये हम कोल भाषा बोलते हैं, इसका कोई प्रमाणिक आधार या मापदंड हम कैसे दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कि कहा जाता है कि जिस समुदाय में आप पैदा हुए हैं उसका नामकरण फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपका नामकरण उस ही भाषा से हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे प्रमाणित करें कोल भाषा, तो पहली बात तो ये कोल शब्द ही जो है यही हमको बताता है कि किस भाषा का शब्द है। जैसे आप लीजिए कोल, तो कोल शब्द जो है यदि हम रूस की लैंग्वेज के अनुसार जाएंगे तो कोल मीन्स होता है लकड़ी का अग्रभाग। यदि हम चीन के अनुसार जाएंगे तो कोल नॉलेज ओपिनियन लीडर, मतलब जो वहाँ एक पद होता है कोल का उसके अनुसार है। अब जैसे हम कोल पर यदि संस्कृत में जाएंगे तो कोल का अर्थ जो होता है तो सुअर होता है, मतलब समानार्थी शब्द है कोल का। पर यदि हम उसकी भाषा के अनुसार, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उनके भाषा के अनुसार उसका अर्थ ये हो रहा है। पर अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कोल समुदाय इस भारत में रह रहे हैं वो किस भाषा के आधार पर इसका नामकरण है। तो जब हम इस पर जाते हैं, इस पर हम लोग शोध कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो हमको इसका डिफिनीशन कि को मतलब क्या होता है और इसमें ओ, अब यहाँ हिंदी के अनुसार यदि आप करेंगे तो हमारा आप डिफिनेशन नहीं पाएंगे, क्योंकि कोल उच्चारण होता ही नहीं है, कोल होता है, मतलब कहना चाहिए कि ओ का उच्चारण ही नहीं होता, का भी एक कहा जाए फुल उच्चारण नहीं होता। तो हमको को और ओ प्लस लॉ का जब अलग अलग हम करेंगे तो ये दर्शाता है को शब्द जो है एक सृजन को दिशाता है, किसी इस धरती इस पृथ्वी में जो भी शब्द जो भी सृजन हुआ है उसको को से डिफाइन किया जाता है हम लोगों की भाषा में, जो हमारा भी स्टडी करता है। और मतलब कहना चाहिए कि इस जो सृजन को कोल का मीन्स होता है सृजन, जिससे सृजन हुआ है, तो चाहे पेड़ पौधे का सृजन हो या मानव का सृजन हो, किसी चीज का सृजन है वो सृजन को दर्शाता है कोल को, मतलब कोल इस पृथ्वी का पहला मानव की जब सृजन हुआ वही कोल है। तो इसका मतलब हमारा ये कोल शब्द ही बता रहा है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ से जब हमारा हमारी भाषा के आधार पर हमारा नामकरण है इसलिए हमारी भाषा है। तो आज सर थोड़ा 2 सेकंड, तो अभी बहुत सारे राइटरों ने जो बुक लिखी है, अभी मैं एक राइटर का नाम दूंगा, सुमित कुमार चटर्जी, जो कि 1923 में एक बुक लिखे हैं द स्टडी ऑफ कोल, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कोल आर मुंडा लैंग्वेज। यहाँ समझने वाली बात है कि कोल आर मुंडा लैंग्वेज, यहाँ मुंडा और मुंडारी में अंतर होता है। कोल आर मुंडा मतलब कोल मतलब जो कोल है वही मुंडा है, पर मुंडारी मतलब मुंडारी एक कोल भाषा की क्या है उपभाषा है, पर कोल या मुंडा भाषा मूल भाषा है। उसने बताने का प्रयास किया है राइटरों ने जितने भी लिखे हैं कि कोल भाषा कोल एक भाषा परिवार है, मतलब एक जिस अभी मैं बता ना सृजन जिससे सारी इन भाषाओं का सृजन हुआ है वो है वो। तो इसे हम सच कहते हैं कि ये मुंडारी संथाली हाँ, ये हो ये जो भी भाषाएं हैं हाँ, ये सभी कोल परिवार से निकली हुई हाँ, भाषाएं। आपका कहना उचित है, जैसे आपका कि जब एक एक फल होता है बीज, जब फल का बीज होता है उस फल से एक वृक्ष तैयार होता है, उस वृक्ष से बहुत सारे फल होते, तो आप समझ लीजिए ये जो फल है वो कोल है,
या कोल लैंग्वेज, और वो वृक्ष के समान जो उसमें फल अन्य फल बने वो आपका मुंडारी है, संथाली है, हो है, बिरहोर है, असुर है, कोरकू है, कोरवा है, सवर है, जुआंग है, ये गदवा, इस कोल भाषा परिवार की उपभाषाएं हैं। तो सर ये अभी तक ये इतनी समृद्ध भाषा जिस तरह से बता रही हैं कि सृजन यहीं से हुआ या कोलारियन फैमिली के जो ये सब भाषाएं हैं वो कोल भाषा से ही, सब कोल भाषा परिवार के ही सबसे सदस्य हैं, ये मुंडारी हो, मुंडा हो या हो भूमिज है, ये सब भाषाएं जो है कोल परिवार से निकली गई भाषाएं हैं। तो इतनी समृद्ध होते हुए भी इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। हम लोग पहला काम है, सरकार देती है नहीं देती हमसे कोई लेना देना नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा पूरा समुदाय इस भाषा का प्रयोग करे, वो तो एक फायदा लेने पर जरूरत है, हमारी आइडेंटिटी जो हमारी भाषा से है, तो सबसे पहला काम है आइडेंटिटी पूरे को, जैसे पूरे भारत में सभी लोग हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करते उसी तरह पूरे भारत का मानक रूप से कोल भाषा का सही उच्चारण कर पाएगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जब लगभग अभी वर्तमान समय में भी देखे जाए तो ऑल इंडिया में अभी लगभग 50 लाख कोल हैं, तो ये जब 50 लाख कोल एडोप्ट कर लेंगे, कोल भाषा बोलने लगेंगे, तो सरकार का व्यवस्था होगी हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल। तो अभी तो ये भाषा किन किन राज्यों में बोली जा रही है मुख्य? लगभग अभी हमने जो स्टडी किया है तो अभी भारत में मूल रूप से अभी तीन ही स्टेट में बोली जा रही है, आपका झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, आपका बिहार। इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य क्षेत्र में बात करें तो अभी कोल भाषा बांग्लादेश में बोल रही, क्योंकि बंगाल का जब अलग हुआ तो जो हमारे कोल बंगाल में थे तो वो जब बंटवारा हुआ तो बंगाल में चले गए, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी बोली जाती है। यदि जिसको यकीन न हो तो वो गूगल पर जाए, बांग्लादेश की ऑफिशियल भाषा है कोल लैंग्वेज, जो कि रजिस्टर्ड है बांग्लादेश में। इसके अतिरिक्त कोल लैंग्वेज जो है तो आपका नेपाल में भी बोली जाती है, क्योंकि हमारे कोल लोग नेपाल में भी पाए जाते हैं। अभी जो यहाँ का जो समुदाय है उनकी है, वैसे देखा जाए तो कोल लैंग्वेज लगभग कैमरून में भी बोली जाती है, जो कि कोल ही नाम से, KOL नाम से ही रजिस्टर, कैमरून में हो गया, म्यांमार में हो गया, आपका पापुआ न्यू गिनी में हो गया, तो लगभग इंडोनेशिया में हो गया, तो लगभग कोल ही नाम से रजिस्टर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि कोल लैंग्वेज लगभग भारत के सर्वाधिक विश्व में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, पर यह कि थोड़ा हम लोगों हजारों वर्ष से अलग अलग जगहों पर होने की वजह से कुछ बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई, पर मूल साउंड में हम जब जाएंगे तो हम जरूर हम सब एक मिलेंगे। तो अंत में एक सवाल यही है कि अभी जैसे अलग अलग राज्यों का भ्रमण हो रहा है और रिसर्च भी हो रहा है, तो आपकी किसके माध्यम से ये आप वर्क कर रहे हैं? हाँ देखिए, हम लोगों ने क्या है ना कि एक सोसाइटी बनाए हैं, संगठन नहीं, ये एक एनजीओ की तरह होता है, जो सरकार की तरह जैसे बैंकिंग होते हैं तो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, तो ये एक तरह से हम लोगों की सोसाइटी है जिसका नाम है कोल ट्राइबल एजुकेशनल कल्चरल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि 2022 में रजिस्टर्ड हुई है। तो इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग ये पूरा रिसर्च कर रहे हैं कोल की भाषा पर, कोल की रीत रिवाज, परंपराएं, आभूषण, पोशाक, उसके खान पान, उसके रहने की स्टाइल, उसके भौगोलिक क्षेत्र, उनके जो ऐतिहासिक राजा महाराजा हुए थे, सबका हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग सारा लिपिबद्ध समाज को देने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं इस सोसाइटी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने समय दिया, और माननीय भूमि माझी जी, उमानाथ कोल जी, नितो दो अबो तलारे गोंके जी, मानोतन
दिलीप मरांडी जी बिहार खोन कुलदीप कुलदीप मरांडी जी कुलदीप मरांडी कोल तला मेला मिनी तब अनकिन खना अनकिन खन बारिया कथा लोर लोपोर मेना तो कुलदीप दा आबोआ ना जे नित लोर लोपोर कन बो जे मेन दबो ना दो आबो एंगोम भाषा कोल भाषा गन तबवा तो ना दो अकल कता केटे तहन तबवा ना दो आदो कन तबवा से साइमन दो हिंदी की लोर लोपोर कन दा आबो केटेज बो अकल कन दा जे जहां को थोड़ा को बाजार चलो कन कवर हन के आड़े हियरिंग दा कवर दा पढ़ा लख नौकरी दा को गिदरा को दम हिंदी की लोर था जबकि जब काम हो तो नौकरी दम लेकिन आम तो लोर दारे कन है इन लोर दी गिदरा हो लोर छु शर्म गिदरा लोर थी को कोले तो बा बगी का दाले लोना ना संस्कृत कल तो बगी खाना अभियान बहुत अच्छा कार्य का मन बन इन तो चितले बनी अपन पर हमार रवि जी और भुवनेश्वर जी अपन लगा ननी त्याग दबन हर चीज रे ननी ये हो करते अब चितलो रही तो ना केटे जो तब अकल करना तो हां केटे जो हां अब अब निंका के जरकम दरा करना वो धीरे धीरे नवा फैलाव हो मैसेज चलो हम लोग थे एवं कोले भाषा जिंदा दो है बाबू जैसा अपन हिंदी तिक में कोले तिक में अब इनका की शर्म को मैसेज फैले केटे जोगी माने मारंग निया गयो ना कि दादा हम तो नौकरी रिके तो हूं हम अपना परिवार रे लोर लोपर ओकनो ना खनी मारंग चीज होना के जते की नौकरी हर रिके देखो एटा शहर रे एटा राज्य रे एटा भाषा ठेते हैं कहते हैं हिजु कना कि एकदम आका माथा चलो मैं के देखो की लोर को उनका मैसेज इनको बढ़ा दे तो ना तो मिटंग कथा इयर ना कना खुशी ना कथा कना कि माने मीटिंग इंजीनियर हो कते एटा राज्य रे तहे कते एटा भाषा परवेश रे तहे कते हूं लोर लोपो के ना तो मीटिंग गाले के निकल लिपि है ना शर्म धीरे धीरे अब लिपि तो आम गया बने मा अरे तो इन दो समय गनि बना हो कना सोचे बारे रे ननी दो कल कना भाषा जे ठीक मन के दबा ना बन जे अब कुछ कोलहे रहू अब हिंदी शब्द बोलो हम बोलो देन कना है आना अकल तो बने वो आना दो बड़े दिन आम गी बना दारे मा इन दिल का दिन हम धीरे धीरे शुरुआत कर दा खाना हो बढ़े थे ना तो आम गिलल तरंग तो ठीक है आरो जहां कुछ मैसेज दे समाज अखरा ते जदी लेट मान ठीक है वो निका वो जे कम एकता बनाए दे वो भेदभाव बंद हो अपना समाज रे ना वो जे इन लड़े नहीं है जे बंग नहीं है जे रकम भेदभाव ना तब इनका मिलल को तहन वो तहन हां एकता जरूरी ना तब वो तो बड़े ये वो झारखंड रे अब सबसे बड़ा बात अब राजनीति नीति भंग चलो दारे का बात चला रंग को कम से कम मीटिंग तो जहां लगा तो मीटिंग कोले वो विधायक तो विधायक बहुत जरूरी करना वो कम खास करके झारखंड भी झारखंड भी बस करना जब उन्होंने जनता बन हुआ मैन यूनिटी बन था वो जैसे मैं जनसंख्या पर डिपेंड कर दे अब उन्होंने होगी मतदान करा वो करे नहीं अब थोड़ा है ना वो कम संख्या रहे इना की बड़ा दिक्कत है यूनिटी बनाओ बहुत जरूरी है अब हो हाँ समय तो लगो कोल्हे भाषा देहबो कोल्हे भाषा लड़बो।